See, next we'll start the Likert scale. What is Likert scale and what is the uses of this Likert scale? See the name Likert scale. Understand? Likert scale is what Likert scale is telling. See, it is a. आपने ऐसा कुछ let me show you one example. आपने ऐसा कुछ questions देखा है पहले अपने life में जैसे not don't read this just see that ki इस type के questions आपने कभी देखा है क्या जिसमें strongly agree disagree somewhat disagree ऐसा type का कुछ questions आपने देखा होगा definitely देखा होगा कहाँ पर देखा है मैं बताती हूँ आपको आप जब MPMSC के form fill up कर रहे थे तो उस form में आपको कई statement ऐसे रहे होंगे जिसमें आपको agree disagree स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री ऐसे फोर स्टेटमेंट ऐसे फोर पॉइंट्स फाइव पॉइंट स्केल्स रहे होंगे जिसमें आपको एक में टिक करना रहा होगा और आपने किया भी है ठीक है तो उसको कहते हैं लिकर्ट स्केल अगर जिसमें फाइव पॉइंट्स हैं जैसे इसमें दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल कई कई ऐसे होते हैं जिसमें फाइव पॉइंट स्केल होते 1 2 3 4 5 सी दिस इज़ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिकर्ट स्केल किसी किसी में 5 पॉइंट स्केल होंगे किसी किसी में 7 पॉइंट स्केल्स होते हैं तो दिस इज़ द लिकर्ट स्केल नाउ जस्ट डिफाइन वॉट इज लिकर्ट स्केल आप समझ गए कि वॉट इज लिकर्ट स्केल अब आप खुद बताओ जैसे सी दिस एग्जाम्पल नाउ रीड दिस सेंटेंस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू कीप पीपल अलाइव डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि पीपल लोगों को वो जिंदा रखे जितने हो सके लंबे समय तक ये एक डॉक्टर की ड्यूटी है आपकी इसमें क्या राय है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अब दिस इज़ द 7 पॉइंट्स दिस इज़ द 7 पॉइंट्स आप इसमें से एक में आपको टिक मार्क करना है इस स्टेटमेंट से आप कितने सेटिस्फाई हैं इस गिव योर रिस्पॉन्स अब आप इसमें से 7 पॉइंट में से एक पॉइंट में आप टिक करेंगे जो आपको सुटेबल लगता है मान लो आप इस सेंटेंस से स्ट्रांगली एग्री हैं मतलब आप कम्प्लीटली जान आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट एकदम सही है अब कोई कोई को ऐसा हो सकता है किसी किसी को लगता है कि अरे नहीं इतना क्या मतलब थोड़ा बहुत एग्रीमेंट वो देते हैं तो मतलब समझ में आ रहा है कि हम रिस्पोंडेंट से एकदम स्पेसिफाइड होकर आंसर ले रहे हैं मतलब आप लोगों से मैं ऐसे सुपरफिशियल कि डॉक्टर की ड्यूटी है क्या कि लोगों को बचाना यस और नो नहीं पूछ रही मैं मतलब दिस इज़ नॉट यस नो आंसर में डायरेक्टली यू से यस और नो बट इन दिस टाइप ऑफ लिकर्ट स्केल यू आर दिस इज़ लाइक ए साइकोमेट्रिक स्केल जिसमें हम आप कंप्लीट योर एटीट्यूड कंप्लीट योर बिलीव योर इमोशंस आप जो सोचते हैं एक्यूरेट आंसर यू विल बी एबल टू गिव अंडरस्टैंड तो दिस इज कॉल्ड द लिकर्ट स्केल नाउ रीड दिस स्लाइड व्हाट दिस स्लाइड इज टेलिंग इट इज़ ए साइकोमेट्रिक स्केल कॉमनली इन्वॉल्व इन ए रिसर्च दैट एम्प्लॉय क्वेश्चनर रहता है इस टाइप के लिकर्ट स्केल में एक क्वेश्चन हम बनाते हैं जिसमें हम ऑप्शंस देते हैं इस टाइप के कि एग्री स्ट्रॉन्ग डिसएग्री ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आंसर वी कैन गेट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज अप्रोच टू स्केलिंग रिस्पॉन्सेज इन सर्वे रिसर्च जैसे MPMSC ने सर्वे रिसर्च किया था फीडबैक फॉर्म भरवाया था दैट वी कॉल दिस सर्वे रिसर्च इन दिस सर्वे रिसर्च लिकर्ट स्केल वॉज यूज ठीक है लिकर्ट स्केल आर नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक एंड आर वन डायमेंशन इन नेचर सी वेर रिस्पॉन्डिंग टू ए लिकर्ट क्वेश्चनर आइटम रिस्पॉन्डेंट स्पेसिफाई देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट जैसे मैंने बताया था लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन ए सिमेट्रिकल एग्री एक सिमेट्रिक लाइन में आपको एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री मीन्स इफ यू आर गोइंग एग्री स्ट्रांगली एग्री सम वॉट एग्री न्यूट्रल डिसएग्री सम वॉट डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री तो दिस इज द सिमेट्रिकल स्केल इन विच देयर इज अ 7 पॉइंट ऑफ मेजरमेंट दैट वी कॉल द लिकर्ट स्केल 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल सी दिस इज 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट इज 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल मीन्स सी आई बिलीव दैट ecological question are most important issue facing human being
टुडे. अब दिस इज 7 पॉइंट, दिस इज 5 पॉइंट. इफ यू आर एग्री विद दिस सेंटेंस देन यू विल स्ट्रांगली एग्री. एग्री डोंट नो. अगर यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन देन यू कैन राइट हैव, यू कैन हैव डोंट नो, यू कैन यूज डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री. तो दीज आर दी 5 पॉइंट रेटिंग चेकलिस्ट, सॉरी 5 पॉइंट लिकर स्केल. तो दिस इज कॉल्ड द 5 पॉइंट लिकर स्केल. इसमें केवल 5 पॉइंट्स होते हैं. क्लियर विद दिस लिकर स्केल? इसको लिकर स्केल कहते हैं. नाउ व्हेन टू यूज लिकर स्केल, वी कैन यूज इट टू गेट एन ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो कलेक्ट स्पेसिफिक डेटा ऑन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. जैसे आप By using this Likert scale, अगर आप इस Likert scale का use करोगे तो आप बहुत specific होके जाके आप एक response gather कर सकते हो कि what actually respondents' opinion are. जैसे how corona is very much dangerous for Indorian people. Indorian people के लिए corona कितना dangerous है. अब मैं उसमें नहीं, मैं ये बोलूँगी कोरोना कोरोना का इफ़ेक्ट इंदौरियन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इज़ माय सेंटेंस. अब आप उसमें कितने एग्री हो, कितने डिसएग्री हो, कितने स्ट्रांगली एग्री हो, कितने स्ट्रांगली डिसएग्री हो, कितने न्यूट्रल हो. तो मैं आपसे दो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप यस और नो में उत्तर दोगे तो मैं उतने परफेक्शन से आपका रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगी जितने परफेक्शन से मैं लिकर्ट स्केल यूज़ करूंगी. समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ाने जा रही हूं आपको? मुझे आपके आंसर को एकदम स्पेसिफाई एक्यूरेट आंसर पाने के लिए मैं आई यूज़ दिस लिकर्ट स्केल. तो दिस इज़ द यूजेस ऑफ लिकर्ट स्केल. ऐसी ऐसी जगह पर हम लिकर्ट स्केल यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, एक्यूरेट ओपिनियन, एक्यूरेट एक्सपीरियंस हमको चाहिए होगा, तब वी विल यूज़ दिस लिकर्ट स्केल. जैसे आपको फीडबैक फॉर्म में एक्यूरेट आंसर चाहिए इसलिए MPMSU क्वेश्चनार में दे यूज लिकर्ट स्केल. नाउ एडवांटेज, देर आर वेरियस एडवांटेजेस. लाइक हम क्लियरली किसी रेस्पोंडेंट के बिलीफ एटीट्यूड को हम क्लियरली मेजर कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस टेस्ट की एग्री डिसएग्री वाला. और क्वांटिटेटिव डेटास को हम इजिली ड्रॉ करके हम पता कर सकते हैं कि वेदर दी व्हाट इज़ द बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट. नाउ देर इज़ अ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको जैसे फीडबैक फॉर्म मिला है, अब आप लोग किसी टीचर के पढ़ाने से सेटिस्फाई नहीं थे, बट नहीं, दिस इज़ नॉट गुड थिंग. जैसे फॉर अस, हमको भी फैकल्टी फीडबैक फॉर्म भरना पड़ा था. जैसे फैकल्टी फीडबैक फॉर्म में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमको पूछा गया था कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर IT डिपार्टमेंट. तो मैं क्या लिखूँ इसमें? मतलब हमको भी ऐसे लिखा गया था, एग्री डिसएग्री और स्मॉल डिसएग्री. तो हमारे लिए लाइक दिस वॉज बिकॉज IT डिपार्टमेंट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं जूम एंड डी रिकॉर्डर, हमने ही ये इस्टेब्लिश किया, हमें किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट ने हमें ये सजेस्ट नहीं किया है. तो हाउ आई विल से दिट दिस टेक्निकल डिपार्टमेंट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, हमने उनसे हेल्प ही नहीं लिया है. तो हाउ आई विल टेल कि ये हेल्पफुल है? तो इसलिए मैं न्यूट्रल में करूँगी या फिर डिसएग्री में करूँगी. अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड दी डिसएडवांटेजेस. मीन्स समवेयर दी रेस्पोंडेंट आर नॉट सेटिस्फाई, या फिर रेस्पोंडेंट के लिए वो क्वेश्चंस मैच नहीं करता है, या फिर रेस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, तो वो न्यूट्रल में टिक कर देता है. तो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस. तो हम एज ए रिसर्चर हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिकर्ट स्केल. आई होप अब आपको ऑडियो सुनाई दिया होगा एंड आई होप कि आप मुझे अब रिस्पॉन्स करेंगे.